टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीस। अगर आपको 20,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर सैमसंग का ही कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 20,000 के अंडर में आने वाले सिर्फ और सिर्फ सैमसंग स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें इस बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया कैमरा मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, बड़ा बैटरी होगा, बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। तो ये सभी फोन इस बजट का एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट में पहला बेस्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। और हाँ, मैंने किसी भी फोन को रैंक नहीं किया है, रीजन ये है कि सब फोन एक ही ब्रांड का है और सभी का प्राइस अलग अलग है, सब फोन अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया स्मार्टफोन है। खैर, ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैमरा से ही। तो दोस्तों, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा मैक्रो सेंसर है जो की 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 13 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है, और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। अगर आपको 15,000 के अंडर में बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर, अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। ये डिस्प्ले भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1000 nits का पीक ब्राइटनेस है, और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, इवन डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है, एक्जिनोस 1280 वाला, जो कि 5nm पर बना हुआ है और लगभग 4,70,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। वैसे प्रोसेसर डिसेंट है बट 13,000 के बजट के अकॉर्डिंग काफी पावरफुल है ये। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। बड़ा बैटरी मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। और रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, 208 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.8mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा है तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह डिसेंट मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों, इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 628 वाले वेरिएंट का प्राइस Amazon पर फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है। वैसे इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो 15,000 के अंडर में सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। दोस्तों, ये फोन आपको 13,000-14,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा और 15,000 के अंडर में सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। काफी तगड़ा फीचर के साथ ये फोन आता है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है आइए देखते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। ये डिस्प्ले भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ही आता है। रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और 800 nits का ब्राइटनेस है। अगर आप इस फोन को सनलाइट या फिर आउटडोर वगैरह में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ब्राइटनेस सही है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, आई मीन डिस्प्ले बढ़िया ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें MediaTek Dimensity 6100+ वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है और लगभग 400,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। 13-14,000 के बजट के अकॉर्डिंग स्कोर काफी बढ़िया है एंड गाइस, प्रोसेसर भी काफी पावरफुल मिलेगा। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। ये बैटरी आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा और हाँ, चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम भी ले सकता है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 217 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 9.3mm का थिकनेस है। देखिए, 6000mAh का बैटरी लगा हुआ है ना, इसीलिए इस फोन का वेट और थिकनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह डिसेंट मिलेगा। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला जैक मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन One UI 6 के साथ आता है जो की एंड्रॉइड
एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन तीन वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 12,999 रुपया है। 6128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,500 रुपया है और 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपया है। तो मेरे ख्याल से इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपके लिए अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है और सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में अब आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A15 5G। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 17-18 हजार रुपया में मिल जाएगा और इस बजट में सैमसंग की तरफ से आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। वैसे ये फोन भी प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 200 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.4 mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह को डिसेंट ही कहेंगे। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, मतलब दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 6 के साथ आता है जो कि Android 14 पर बेस्ड है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और दुख की बात यह है कि ये डिस्प्ले भी वाटर ड्रॉप नोच के साथ ही आता है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 800 निट्स का ब्राइटनेस है। चलिए ब्राइटनेस बढ़िया है, आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो भी इस बजट में थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी बात डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगा, डिस्प्ले काफी बढ़िया है। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसमें ना ही OIS का सपोर्ट मिलेगा ना ही 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हम आपको कुछ देर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। खैर पहले स्पेसिफिकेशन वगैरह को देख लेते हैं। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। वैसे प्रोसेसर खराब नहीं है, प्रोसेसर पावरफुल है, बट जिस बजट के फोन में ये प्रोसेसर आ रहा है ना, इस बजट के अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। बात वही होगा, आपको अच्छा खासा बैकअप तो देगा बट चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम लेगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस अमेजोन पर फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपया है। अब ये सवाल आता है कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए 18,000 रुपया इस फोन का दाम है और 18,000 रुपया में इससे भी अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फोन आपको मिल जाएगा। और भाई जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आ रहा है ना, उस अकॉर्डिंग इस फोन का प्राइस 12-13 हजार रुपया होना चाहिए था। खैर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में अब आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। वैसे फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 12-13 हजार तक में ही मिल जाएगा। अगर आपको 15 हजार के अंडर में सैमसंग की तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। इस फोन को एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है आइए देखते हैं। तो हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 208 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.8 mm का थिकनेस है। तो कह सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह डिसेंट मिलेगा। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। इसमें फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। तो बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो दोस्तों इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नोच के साथ आता है। अच्छी बात यह है कि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी लाजवाब का है एंड रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड
दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो नो डाउट इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है एक्जिनोस 1280 वाला जो कि 5nm पर बना हुआ है और 415,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। वैसे प्रोसेसर डिसेंट है बट 12-13,000 के बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर काफी लाजवाब का है। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। ये चार्जर जो है ना हल्का फुल्का टाइम लेगा चार्जिंग में बट 6000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,999 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है 6128 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है। तो 15,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब अपने लिस्ट में आखिरी एंड इस लिस्ट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 21-22 हजार तक में आराम से मिल जाएगा एंड इस बजट में सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है और इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा डिस्प्ले परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 199 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.4mm का थिकनेस है। तो वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ये कह सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह डिसेंट मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। तो आइए बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो दोस्तों इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा और 800 nits का ब्राइटनेस भी है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का है, तो कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग वगैरह में काफी मजा आएगा, डिस्प्ले बढ़िया है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर भी है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और हाँ, कैमरा भी इस बजट के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर पाएंगे। वहीं पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें एक्जिनोस 1380 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5nm के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर सही है। और बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। अब देखिए बड़ा बैटरी मिल रहा है तो अच्छा खासा बैकअप देगा बट हाँ, चार्जिंग में टाइम लेगा थोड़ा मोरा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों इस फोन का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 22,999 रुपया है। तो 23,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 20,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।